रात के वक्त सारे पक्षी अपने अपने परिवारों के साथ वहां पर आना शुरू हो गए हैं। सबने नए नए और अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। वहां पर लाइट, रोशनी, संगीत और अच्छा अच्छा खाना पीना, और वहां शोरूम में सब मस्ती कर रहे थे। ये सब देखकर गोलू चिड़ा सोचता है, अरे वाह, सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। सबने नए नए और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। अगर ये लोग कश्मीर के एक जंगल में गोलू नाम का चिड़ा उदास मन से समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, और वो मिट्टी से अपना घर बनाता था और बार बार उसे बिगाड़ देता था। वो फिर से बनाता और फिर से तोड़ देता। उसे ऐसा करता देखकर एक बंटी कबूतर वहां आता और वो उससे कहता है, अरे ओ चिड़ा, चल तू यहां से उठ जा, हमें यहां पर नए साल की तैयारियां करनी है, इसीलिए अब तू जल्दी से यहां से हट जा। और हाँ, तुम सब सुन लो, तुम्हें यहाँ से वहाँ तक सारी तैयारियाँ जल्दी जल्दी करनी हैं, और जरा जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाना। अरे अंकल, ये नजासाल क्या होता है, आप इसके बारे में मुझे भी बता दीजिएगा। अरे तुझे ये नहीं पता कि नया साल क्या होता है? नया साल यानी कि न्यू ईयर, और कल रात को हम नए साल में प्रवेश करेंगे और नए साल का जश्न मनाएंगे। अच्छा, फिर तो बहुत मजा आता होगा नए साल के जश्न में। अंकल, नए साल में प्रवेश करेंगे, लेकिन मैंने तो कभी भी नया साल नहीं मनाया है। क्या मैं भी आपके साथ नए साल का जश्न मना सकता हूँ? अरे ये मुझे गरीब बेसहारा दिखाई देता है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ, मेरी ये कोई मदद भी करेगा और नए साल का जश्न भी मना लेगा और देख लेगा, ये थोड़ा बहुत हम सबके साथ देख लेगा तो इसमें हमारा क्या जा रहा है। देख, ये हो सकता है कि मैं तुझे नया साल का जश्न देखने के लिए इजाजत तो दे देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, बदले में तू हमारे सारे जूठे बर्तन साफ करेगा। और हाँ, पार्टी खत्म होने के बाद जूठे बर्तन और क्रॉकरी उठाने की जिम्मेदारी तेरी होगी। ठीक है अंकल, मुझे मंजूर है, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। फिर उसके बाद गोलू चिड़ा देखता है कि रात के समय सजावट वाली छोटी छोटी झोपड़ियां तैयार हो रही थी। रात के वक्त सारे पक्षी अपने अपने परिवारों के साथ वहां पर आना शुरू हो गए हैं। सबने नए नए और अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। वहां पर लाइट, रोशनी, संगीत और अच्छा अच्छा खाना पीना, और वहां शोरूम में सब मस्ती कर रहे थे। ये सब देखकर गोलू चिड़ा सोचता है, अरे वाह, सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। सबने नए नए और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। अगर ये लोग अच्छे और नए नए कपड़े पहन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पहन सकता हूँ। अरे गोलू, हमने तुझे यहाँ पर काम पर रखा है ना, और अब तो तूने देख ली ना नए साल की पार्टी, जब सब लोग यहाँ से चले जाएं, तो उसके बाद सारे जूठे बर्तन उठाकर उन्हें साफ करने में लग जाना। अगर तुमने अच्छे से बर्तन साफ नहीं किए तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा, इसीलिए अच्छे से साफ करना। अरे बंटी कबूतर अंकल, ये नए साल की पार्टी कितने दिन तक और चलेगी? अभी 4-5 दिन तक और चलेगा ये नए साल का जश्न। फिर तो मैं यहाँ पर 4-5 दिन तक और रुक सकता हूँ ना बंटी कबूतर अंकल। अरे
मुझे क्या है, चाहे तू यहाँ पर कितने भी दिन रह ले, बस तुझे लगातार काम करना पड़ेगा। चल अब तू ये बातें बनाना बंद कर और जल्दी जल्दी अपने काम पर लग जा। अगले दिन फिर से गोलू चिड़ा जंगल के सभी पक्षियों को उस पार्टी में धूम मचाते हुए देखता था। तब वो भी उनके बीच में जाने की सोचता था, लेकिन वो अपने कपड़ों को देखकर चुपचाप रह जाता था। तब वो यही सोचता था, अरे मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ, मेरे कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा गंदे और फटे हुए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इस कोल्ड ड्रिंक को लेकर इसी बहाने से वहाँ पर जाता हूँ और थोड़ी मस्ती करके वहाँ से वापस आ जाऊँगा, किसी को पता भी नहीं चलने दूँगा। लोगों को वहाँ पर मस्ती करता देखकर गोलू चिड़ा अपने कदम नहीं रोक पाता है, वो भी वहाँ पर उनके साथ पहुँच जाता है। तभी अचानक से गोलू चिड़ा के हाथ में से कोल्ड ड्रिंक की ट्रे उस कालू कौवा के ऊपर गिर जाती है। तब कालू कौवा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वो उससे बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया, ये इस पार्टी का मैनेजर कहाँ है, जल्दी से मेरे पास आ जा। क्या हुआ सर, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ है आप मुझे बताइए, मैं ही इस पार्टी का मैनेजर हूँ। अरे तुम ऐसे पक्षियों को काम पर रखते हो जिसे काम करना तक नहीं आता है, और ऐसे नौकरों को तो निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन तुमने तो वही नौकर इस पार्टी में रख लिया है जिसे कुछ भी नहीं आता। इसने मेरे इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए, और अगर ये मुझे दोबारा यहाँ पर दिखाई दिया तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। अरे कालू भाई जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी इस नौकर को इस काम से निकाल देता हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। अगर आपको हमारी तरफ से कोई परेशानी हुई हो तो आप हमें बता दीजिए, तो मैं वो भी पूरी करवा दूंगा, लेकिन मैं इस नौकर को तो अभी यहाँ से निकाल देता हूँ, ये फिर दोबारा काम पर नहीं आएगा, तुम बस अब ज़्यादा गुस्सा मत करना, चल अब तू भाग यहाँ से और दोबारा इस पार्टी में कदम भी मत रखना, समझा, चल भाग यहाँ से। आज तूने दो कौड़ी के पक्षियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती करवाई है, और वो कालू कौवा अपने आप को क्या समझता है, आज उसने मेरी इतनी भरी समाज के सामने मेरी बेइज्जती की है, इसीलिए अब मैं तुझे इस काम पर नहीं रखूंगा, भाग जा यहाँ से। गलती हो गई बंटी कबूतर अंकल, आप मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा अंकल, मुझे माफ कर दो, नहीं करूंगा दोबारा ऐसी गलती, लेकिन आप मुझे नौकरी से मत निकालो, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है अंकल। देख गोलू, अब मैं तुझे अपने काम पर एक मिनट भी नहीं रख सकता हूँ, इसीलिए अब तू चुपचाप यहाँ से चला जा, मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर, अगर तेरी वजह से जो मेरा नुकसान होगा उसकी भरपाई क्या तू भरेगा। फिर उसके बाद गोलू चिड़ा उदास मन से वहाँ से आ जाता है और वो समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता है, लेकिन गोलू चिड़ा का बिल्कुल भी मन नहीं मानता है, इसीलिए वो बंटी कबूतर के पास फिर से आ जाता है और उससे हाथ जोड़कर कहता है, बंटी कबूतर अंकल मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, बंटी कबूतर अंकल मुझे माफ़ कर दो। लेकिन बंटी कबूतर गोलू की तरफ देखता तक नहीं है। गोलू चिड़ा मायूर और बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। इस बात को पूरा एक दिन गुजर जाता है।
ऐसे में एक दिन गोलू चिड़ा समुद्र के किनारे बैठकर कहता है, काश मैं उस पार्टी में शामिल ही ना होता तो अच्छा रहता, क्योंकि मुझे नया साल मनाने का कोई हक नहीं है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और ना ही मेरे पास अच्छे और नए नए कपड़े हैं। मुझे अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अरे गोलू बेटा, आज तू खाने में ये केले खा ले, मैं शाम को तेरे लिए अच्छी सी कोई सब्जी और पूड़ियाँ बना दूंगी, फिर तू वो खा लेना। अरे माँ, आप रोजाना झूठ बोलकर मुझे ये केले ही क्यों खिलाती हो? देखो माँ, मैं आज ये केले खा लेता हूँ, लेकिन कल और शाम को ये केले दोबारा मुझे मत खिलाना, मैं केले नहीं खाऊंगा। अरे गोलू बेटा, तू जानता है ना, तेरे पिताजी सिर्फ थोड़ा सा ही कमाते हैं, उससे सिर्फ हमारे एक टाइम का खाना बन पाता है, इसीलिए हम लोगों को ये खाना पड़ता है। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। मैं हूँ माँ, मैं आपके लिए पैसे कमाकर जरूर लेकर आऊँगा। माँ बाबू, आप मुझे माफ़ कर देना, मैं बिना बताए यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आ गया था। मैंने तो सोचा था कि अब मुझे ये नौकरी मिल गई है, अब मैं खूब सारे पैसे इकट्ठे कर लूँगा, पर माँ मुझसे भूल हो गई, मैंने अपने आप से किया हुआ वादा भी नहीं निभा पाया। अरे मेरे बच्चे को कोई बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ, कोई है? मेरा बच्चा समुद्र में डूब रहा है, मेरे बच्चे को कोई बचाओ। बचाओ बचाओ मम्मी डैडी, मुझे बचाओ, बचाओ मम्मी, मैं डूब रहा हूँ, मम्मी डैडी मुझे बचाओ। अरे बाप रे, ये किसका बच्चा है? ये तो समुद्र के बीच लहर में डूबता जा रहा है। रुको छोटे पच्ची, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं तुम्हें जरूर बचा लूँगा। गोलू चिड़ा को तैरना आता था, इसीलिए उसने उस छोटे से पक्षी की जान बचा ली और वो उसे समुद्र से बाहर ले आया। अरे मेरे बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? भगवान की कृपा से मेरा बेटा बच गया। अरे आंटी, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस इनके पेट में थोड़ा सा पानी भर गया था, वो मैंने निकाल दिया है, अब ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, इन्हें कुछ नहीं होगा। अरे छोटे पक्षी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे छोटे से बच्चे की जान बचा ली, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे तुम तो वही हो ना जिस पर मैं कल बहुत जोरों से चिल्लाया था, और तुम्हें मैंने नौकरी से भी निकलवा दिया था। आई एम सॉरी बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूँगा। अरे सर, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिएगा, आप तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, इसीलिए आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। अरे मैनेजर, ये गोलू की नौकरी मेरी वजह से छूटी थी, लेकिन ये गोलू तो एक उनार पक्षी है, इस पक्षी को मेरे कहने पर दोबारा से नौकरी पर रख लीजिए,
क्योंकि मैंने ही ये नौकरी से निकलवाया था, तो मेरा ही फर्ज है कि मैं इसे दोबारा से नौकरी पर लगवाऊं। अरे सर, गोलू को चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोलू अब मेरे ही पास रहेगा और वो दोबारा से मेरे ही पास काम करेगा, क्योंकि मुझे पता है ये गोलू एक उन्हार बालक है और इससे अच्छा लड़का मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा बच्ची है, इसीलिए मैं इसे ज़रूर अपने काम पर रखूँगा। गोलू, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसीलिए तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। शुक्रिया आंटी, लेकिन मुसीबत में हर किसी की जान बचाना ये तो हमारा पहला कर्तव्य होता है, और ये तो मैंने अपनी माँ से सीखा है, क्योंकि मेरी माँ भी हमेशा यही कहती थी कि बुरे वक्त में हर किसी की मदद करनी चाहिए। सचमुच में तुम्हारे संस्कार तो बहुत ही अच्छे हैं बेटे, और इन्हीं संस्कारों की बदौलत तुम देखना एक ना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। ये बात सुनकर गोलू चिड़ा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बंटी कबूतर फिर से उसे नौकरी पर रख लेता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और बंटी कबूतर गोलू चिड़ा की मेहनत और ईमानदारी को देखकर बंटी कबूतर गोवा में गोलू चिड़ा को अपने दूसरे कंपनी की जिम्मेदारी भी सौंप देता है। गोलू चिड़ा खुशी खुशी पैसे कमाकर छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचता है। गोलू मेरा बेटा, तू इतने दिनों से कहाँ था और तू बिना बताए यहाँ से क्यों चला गया था? बेटा तेरे बिना तेरी माँ का कितना बुरा हाल है, तू देख जाकर तेरी माँ मंदिर में बैठकर भगवान से तेरी ही सलामती की प्रार्थना कर रही होगी। टुनटुनी चिड़िया यहाँ भगवान के पास बैठकर अपने बेटे की सलामती की प्रार्थना कर रही थी, तभी वहाँ पर गोलू आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ माँ इधर देखो, मैं आ गया हूँ, मैं वापस लौट आया हूँ, अब मैं अपनी माँ के पास से कहीं नहीं जाऊँगा और अब मैं हमेशा अपनी माँ के पास रहूँगा। अरे ये तो मेरे बेटे गोलू की आवाज़ है, चलो अब मैं पूजा बाद में करती हूँ, चलो अब मैं अपने बेटे से मिलती हूँ, मेरा बेटा कितने दिनों बाद आया है। अरे मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? तू इतने दिनों बाद आया है और वो भी बिना बताए चला गया था। तुझे पता है बेटा, मुझे तेरी कितनी याद आती थी, मैं हमेशा इस मंदिर में ही बैठी रहती थी और तेरे बारे में ही सोचती रहती थी, लेकिन आज तू कितने दिनों बाद आया है, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। अरे माँ और बापू, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारे लिए नई साल की खुशियाँ लेकर आया हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर बहुत मज़ा आता है, इसीलिए अब मैं तुम दोनों को भी अपने साथ वहीं पर रखूँगा। फिर उसके बाद गोलू चिड़ा अपने माता पिता को वहाँ की सारी बातें बताता है, जिस बात को सुनकर गोलू चिड़ा के माता पिता काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सच में गोलू चिड़ा वहाँ से अपने माता पिता के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों,
आज का सवाल ये है कि कालू कौवा के बेटे की जान किसने बचाई थी। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर हो।